मैं गंगा आमंत्रण अभियान का तो हिस्सा नहीं बना, परंतु इसके औपचारिक समारोह का हिस्सा बनने का मुझे मौका दिया है, तो मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं। और उन्होंने जो अभियान चलाया है नमामि गंगे का, इसके लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, गंगा अगर नदी की दृष्टि से आप इसको देखोगे तो उसका अर्थ हम नहीं समझ पाएंगे। इसकी लंबाई, इसके किनारे पर रहने वाले गांव, शहर, आबादी, इसकी संख्या की दृष्टि से भी देखेंगे तो उसका अर्थ हम नहीं समझ पाएंगे। गंगा एक प्रकार से हजारों साल से, जिसकी कोई गिनती नहीं है, इतने साल से न केवल भारत, दुनिया को बहुत कुछ देने वाली एक संस्कृति का नाम और एक संस्कृति का परिचय ये गंगा है। और इसीलिए दुनिया में कोई शायद नदी के प्रति इतनी श्रद्धा जनमानस में नहीं देखी। हर भारतीय अपने घर में एक भी गंगा जल की एक कुपी या एक बोतल रखना चाहता है, न जाने कब अंत समय आ जाए, दो बूंद गंगा का जल मेरे मुंह में रख दे तो मैं सदगति प्राप्त। इस श्रद्धा खड़ी होते होते, ये विश्वास खड़ी होते होते अनेक साल लगते, और यही गंगा है, यही गंगा का किनारा है जहां एक सभ्यता का निर्माण हुआ, जो सभ्यता न केवल पूरी दुनिया में सबसे पुरानी, पूरी दुनिया में सबसे कंट्रीब्यूट करने वाली सभ्यता है, सबसे ज्यादा योगदान देने वाली सभ्यता, चाहे भाषाओं की बात हो, चाहे विज्ञान की बात हो, चाहे धार्मिक अनुसंधान की बात हो, चाहे अध्यात्म की बात हो, चाहे संस्कार की बात हो, समग्र विश्व के अंदर भारतीय संस्कृति एक सबसे ज्यादा देने वाली, कंट्रीब्यूट करने वाली संस्कृति रही है, और वो संस्कृति का प्रतीक है गंगा। और इसीलिए गंगा का नाम लेते ही देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, दुनिया की बहुत बड़ी जनसंख्या है, जिनके मन में, जिसके मन में पूज्य भाव भी आता है, श्रद्धा भी उमड़कर आती है, और एक प्रकार का लगाव, चाहे वो दक्षिण में रहता हो, नॉर्थ ईस्ट में रहता हो, पश्चिम में रहता हो, या पूरब में रहता हो, जहां गंगा हजारों किलोमीटर दूर है वहीं तक पहुंचता है। और ये जो सांस्कृतिक जुड़ाव भारत के जनजीवन के साथ रहा है वो वैसे ही नहीं बना। गंगा जल की निर्मलता और अविरलता, इसका महत्व तो बहुत ज्यादा, हजारों औषधियों के बीच में से कल कर बढ़ती गंगा अपने जल के अंदर ही सैकड़ों औषधीय गुणों को समाहित करके नीचे आती थी और कई सारे लोगों के जीवन को प्रदीप्त करती थी, नया जीवन देती थी। दुर्भाग्य से इस पर, इसके औषधियों गुणों के पर कभी रिसर्च नहीं। यही गंगा थी जो गंगा के किनारे 2300 किलोमीटर से लंबे किनारे पर करोड़ों लोगों के जीवन दायिनी बनी। जल के बगैर जीवन कैसे हो सकता? यही गंगा ने अपने किनारे हजारों गांव, सैकड़ों शहर, सैकड़ों महानगरों को जीवन प्रदान करने का प्रयास किया, और इसी के कारण हम जीवन प्राप्त किया। और भारत का अध्यात्म का इतिहास लिखना हो, ज्ञान का इतिहास लिखना हो, भारतीय संस्कृति का इतिहास लिखना हो, या भारतीय अर्थतंत्र का इतिहास लिखना हो, गंगा के बगैर वो संभव ही नहीं। शायद गंगा का, गंगा के जल का, गंगा के किनारे का,
गंगा के द्वारा किए हुए यातायात का, ये हजारों साल में हमारे अर्थतंत्र के अंदर हम योगदान निकाल देते हैं, तो एक मात्र गंगा होगी जिसने इतना बड़ा योगदान हमारे अर्थतंत्र के अंदर किया। परंतु कभी हमने इस दृष्टि से नहीं देखा, हमने तो गंगा को हमेशा मां की दृष्टि से देखा, और मां की दृष्टि से देखा मगर दुर्भाग्यपूर्ण चीज थी कि मां को संभालना, मां को सजाना और संवारना हम भूल गए, मां का संरक्षण करना। गंगा के किनारे आबादी बढ़ती गई, पहाड़ी पर जंगल कम होते गए, गांव शहर कस्बे बसते गए, सारा कचरा गंगा के अंदर आता गया, किनारे पर जल की उपलब्धता के कारण उद्योग लगते गए, औद्योगिक प्रदूषण वाले पानी का भी निकाल हमने उसी माह के अंदर करा, ढेर सारे डैम बने, डैम के अंदर से नदी के हिस्से का पानी की गिनती की कोई व्यवस्था ही शुरुआत के दिनों में नहीं रही, इसने गंगा के पानी की उपलब्धता को कम किया, एक और उपलब्धता कम हुई, दूसरी ओर प्रदूषण बढ़ता गया, अंततः गतवा ऐसी स्थिति आई कि गंगा उसका आचमन करने में भी कितनी भी श्रद्धा हो सब छिछकने लगी, दूर से प्रणाम करने लगे। सालों से, हजारों सालों से एक मान्यता थी कि गंगा में डुबकी लगाते ही सात जन्म के पापों का निवारण होता है, डुबकी लगाने में भी लोगों को भय लगता है कि पानी ऐसा है क्या जिसमें हम डुबकी लगाने, और ये अविरलता निर्मलता उसकी चिंता कभी हमने नहीं की, और मैं मानता हूं इसका दोषी हम सब हैं, मगर इसके अंदर एक परिवर्तन है। जब 2014 में देश ने क्रांतिकारी परिवर्तन किया, बहुत लंबे अरसे के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, और आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत दिया, और श्री नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने, इस परिस्थिति को और इसके उपाय की दिशा में आगे बढ़े, और वहीं से शुरू होता है नमामि गंगे का अभियान। नमामि गंगे का अभियान इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का अभियान नहीं, वो तो होना ही नहीं। नमामि गंगे का अभियान सिर्फ प्रदूषण को रोकने का अभियान नहीं है, वो तो होना ही नहीं। नमामि गंगे का अभियान स्वच्छता अभियान के साथ जोड़कर एक प्रकार का संस्कार किनारे के गांव शहर कस्बों में खड़े करने का अभियान नहीं, वो तो होना ही नहीं। नमामि गंगे का अभियान एक अच्छे जल प्रबंधन से, डैमों से पानी समय समय पर छोड़कर इसका गणित कर गंगा की अविरलता को बचाने का अभियान नहीं है, वो तो होना ही। नमामि गंगे का अभियान सिर्फ गंगा को एक जल मार्ग के रूप में विकसाकर अर्थतंत्र को लाखों करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने का अभियान नहीं है, वो तो होना ही। नमामि गंगे का अभियान है देश के अंदर एक संस्कार की निर्मिति करना कि आने वाले हजारों सालों तक फिर से गंगा को कोई प्रदूषित न करे, गंगा की निर्मलता भी बनी रहे, और इस दिशा में इस समग्र आयोजन समग्र आशयों को समाहित करते हुए ये नमामि गंगे का विचार श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, देश के प्रधानमंत्री ने किया, और एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो सिर्फ सोचते नहीं है, योजना नहीं बनाते, योजना को परिपूर्ण करने का मादा भी रखते हैं, उसको गंतव्य स्थान पर ले जाने का अपना दम। कई बार आजादी के बाद गंगा के बारे में चिंता, 85 में भी अभियान कहां दस तोड़ दिया मालूम ही नहीं, प्रदूषण होता था, विरलता बढ़ी, स्वच्छता बढ़ी, ना किनारों के गांव के लोगों के संस्कार के अंदर विचार के अंदर कोई परिवर्तन है। मैं तो आश्चर्यचकित हूं, अभी नमामि गंगे अभियान हमारा समाप्त नहीं हुआ है। इस बजट के अंदर भी नई राशि देने का काम किया, मगर फिर भी बाय एंड लार्ज
गंगा की सभी जगह से लिए हुए सैंपल बताते हैं कि पानी की गुणवत्ता के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन करने में एक नमामि गंगे सफल हुआ है। ठीक है, डेटा बनाने के लिए, आगे की योजना बनाने के लिए, कार्य योजना बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। 100 से ज्यादा जगह से आपने सैंपल के लिए इसको आगे भी बढ़ाया, बहुत अच्छा किया, अभिनंदनीय था। मगर गंगा की अविरलता और निर्मलता का तो लोगों को जागरूकता तो उसी दिन मिल गई थी, जानकारी उसी दिन मिल गई थी जब प्रयागराज कुंभ के अंदर करोड़ों लोगों ने मन से गंगा के अंदर डुबकी लगाकर आचमन करकर अपनी श्रद्धा को एक प्रकार से मैं भी गया, मैं पहले भी गया, काशी भी गया, प्रयागराज भी गया। जो परिवर्तन गंगा के पानी के अंदर देखा है वो 5 साल में लाना नामुमकिन है। भाई शेखावत बता रहे थे दुनिया भर की नदियों का शुद्धिकरण का और दुनिया भर की नदियों को एक अच्छी नदी बनाने का प्रयास का कालखंड बता रहे। सिर्फ 5 साल के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं मानता हूं कि ये 1 महीने लंबा गंगा आमंत्रण अभियान वो जन जागरूकता लाने की दृष्टि से एक बहुत बड़ा अभियान है। इसका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है, क्योंकि राफ्टिंग तभी कर सकते हो जब पानी हो, तो ये इतना तो सिद्ध कर देता है कि कम से कम पानी की उपलब्धता सब जगह पे हुई। और ये अभियान को प्रसिद्धि भी बहुत अच्छी मिली, कई सारे लोग जुड़े, कई सारे चुने हुए प्रतिनिधि, साधु संत महात्मा, समाज जीवन के बहुत सारे आगेवान, जानी मानी हस्तियां इस अभियान के साथ जुड़ी और किनारे के गांव के अंदर एक जागरूकता का बहुत बड़ा अभियान बनकर रह गया। सिर्फ एक स्पॉट या व्यक्तिगत साहस को प्रदर्शित करना या अपने शौक की परिपूर्ति करने का अभियान नहीं, ढेर सारे गांव जो गंगा के किनारे पर बसे, ढेर सारे शहर कस्बे महानगर जो गंगा के किनारे पर बसे हैं, जहां जागरूकता की जरूरत वहां पर यह अभियान जागरूकता लेकर गया। और मुझे आनंद है जब यहां बताया गया कि किसी जमाने में सैकड़ों रूपदेह गंगा के अंदर बहते हुए मिलते थे, 2015 में भी मिले और आज इक्का दुक्का 2-4 रूपदेह गंगा के अंदर बहते हुए पड़े मिले, यही बताता है कि हमारी जागरूकता परिणाम लाने की। करोड़ों शौचालय का निर्माण होना, गंगा के किनारे वन बनाना, वहां की स्कूलों के अंदर ढेर सारे निबंध वक्तृत्व स्पर्धा की प्रतिस्पर्धा करना, ये सबने हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक संस्कार देने का काम किया है। और अगर हम कितना भी बड़ा अभियान चलाएंगे मगर जिसके कारण गंगा का पानी बिगड़ा था वो अगर हम नहीं सुधारेंगे आने वाले वर्षों में, तो फिर से गंगा ऐसी हो जाएगी। तो पूरे नमामि गंगे की सफलता उसी में है कि हम जो बच्चे, जो किशोर 15 साल तक के हैं, उनके मन के अंदर गंगा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करें। गंगा को कैसे शुद्ध और अविरल रखना इसकी जिम्मेदारी वो स्वयं समझे। और अगर वो 15 साल का बच्चा किशोरी समझ लेती है तो आने वाले 60-70 साल तक गंगा का संरक्षण हो सकल। और ये अभियान मैं मानता हूं कि इसमें बहुत बड़ी बात है, ढेर सारे कदम शेखावत जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में गंगा उत्सव, गंगा बाल मेला, गंगा यात्रा, गंगा आमंत्रण अभियान जैसे है, ऐसे गंगा रन, मैराथन, गंगा स्वच्छता पखवाड़ा, वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता ही सेवा इत्यादि इत्यादि ढेर सारे अभियान चले। और ये सारे अभियानों ने नमामि गंगे को ताकत दी। नमामि गंगे के अंदर खर्चा कितना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना होगा, इसका एक बहुत बड़ा महत्व है ही, परंतु इसके साथ साथ आने वाले दिनों में फिर से किसी
देश के प्रधानमंत्री को ऐसा अभियान न चलाना पड़े और गंगा का पानी दुनिया में हमें सर नीचा करने के लिए मजबूत न करे, मजबूर न करे, इसके लिए संस्कार और जन जागृति अभियान बहुत जरूरी है। और पैसों के आंकड़े में भी 85 से 2014 तक सिर्फ 4,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। कहां हुआ, कैसे हुआ, क्या परिणाम निकला, इसकी मीमांसा में मैं नहीं जानना चाहता, मगर 2015 से 20 के बीच में केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़ का इसके लिए राशि उपलब्ध कराकर एक नमामि गंगे का बहुत बड़ा अभियान चलाया। और लगभग गंगा बेसिन में राज्य और केंद्र के मिलकर 28,790 करोड़ रुपए की अलग अलग 310 परियोजनाएं सिलेक्ट की, जिसके अंदर गंदे पानी का निकाल, औद्योगिक कचरे का निकाल, स्वच्छता अभियान के तहत गांव में टॉयलेट बनाने का अभियान, नए स्मशान घाट बनाने का अभियान, विद्युत स्मशान बनाने का अभियान, ढेर सारे प्रोजेक्ट लिए गए, उसमें से 116 प्रोजेक्ट तो आज पूरे हो गए। गंगा की मुख्य धारा में बसे 97 शहर और 4,465 गांव में सीवरेज के प्रबंधन के क्षेत्र में एक साथ साइमल्टेनियसली काम करने का काम चल रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं 2300 किलोमीटर लंबी मां गंगा की पूरी यात्रा के पीछे 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 हर गांव, हर कस्बा, हर शहर को लेकर आगे बढ़ना और उनकी स्थानीय समस्या को समाप्त कर गंगा के अंदर प्रदूषण को रोकना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं विशेष अभिनंदन देना चाहता हूँ जल शक्ति मंत्रालय को, बांध और कैनाल से डाइवर्ट होने वाला पानी उसकी मात्रा बढ़ाए बढ़े, उसका टाइम टेबल और उसकी संरचना इस प्रकार से की कि नदी के अंदर एक न्यूनतम प्रवाह को आप सुनिश्चित करें। पानी के बगैर देश नहीं चल सकता, मगर पानी जो नदी का है वो तो उसको देना पड़ेगा और ऐसे समय पे देना पड़ेगा जब उसको जरूरत हो। इसका जो समय सारणी, इसका टाइम टेबल जो बनाया है, इसके कारण ढेर सारा समस्या का निवारण हुआ है और ये उत्कृष्ट उदाहरण है कि अगर प्रबंधन ठीक हो तो इतनी ही पानी के अंदर गंगा को कैसे अविरल रखा जा सकता है। गंगा की प्रमुख नदियों जैसे यमुना, रामगंगा, काली, गोमती, सरयू, गंडक, घाघरा, ये सभी को भी संरक्षित करने का आने वाले दिनों में हम प्रयास करने वाले हैं। जैसे अंततो गत्वा मां यमुना भी जाकर गंगा को मिलेगी तो गंगा को प्रदूषित नहीं करेगी। ये सभी नदियां चाहे गंडक हो, घाघरा हो, सरयू हो, गोमती हो, राज्यों की सहाय से इसका भी हम करने वाले हैं। घाटों की मरम्मत, नए स्मशान का निर्माण, ये सारी चीजें हो रही है। मैं आज इतने सारे लोग उपस्थित हैं इस सब को कहना चाहता हूं कि हमारे पुरखों की उपलब्धियों को भी बताना चाहता हूं। एक छोटा सा 6 किलोमीटर का रिवर फ्रंट कितना सुंदर लगता था, अभी हमने देखा पटना के पर क्या गांधी घाट पर बनाया ना 6 किलोमीटर, हजारों हजारों लोग छठ की पूजा करते थे, कितना पैसा लगा, सैकड़ों करोड़ रुपए लगा नए घाटों को बनाने के लिए। कोई भी शहर ऐसा नहीं है जहां हमारे पुरखों ने घाट नहीं बनाया था, उसका अगर आज वैल्यूएशन उस जमाने के खर्चे से, उस जमाने के रुपये के हिसाब से किया जाए तो लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारे पुरखे मां गंगा को संरक्षित करने के लिए कर गए, ये हमारे लिए सीखने की बात। व्यवस्थाएं इतनी नहीं थी, ढेर सारे राजे रजवाड़ों में देश बटा हुआ था, उस वक्त भी जो शासन में थे उन्होंने और समाज में और जिनके पास ईश्वर की कृपा थी, मां लक्ष्मी की कृपा थी, वो सभी ने अपने पुरखों के नाम से गंगा के घाट को सजाने का काम किया था। और 18 साल के बाद अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलती भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस देश के प्रधानमंत्री फिर से एक बार गंगा के घाट नया बनाने का काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी बात है। ये तो 2020-21 के बजट में भी जल शक्ति मंत्रालय को 30,700 करोड़ रुपए का बजट दिया है,
इसमें से गंगा संरक्षण विभाग को 8900 करोड़ मतलब 9000 करोड़ रुपया नए देने का काम किया है। मैं 124 से ज्यादा घाट बने हैं, ढेर सारे स्मशान गुरु बने हैं, हरिद्वार के अंदर एक रिवर फ्रंट बहुत अच्छा बना है। इस सबके डिटेल में इसलिए जाना नहीं चाहता क्योंकि ये सारे तो भौतिक था, हमारा दायित्व तो देश की जनता के नाते, देश के नाते और भारत के नागरिक के नाते ये है कि जन जन के अंदर गंगा के प्रति हम श्रद्धा को पुनर्जीवित करें। अगर गंगा को प्रति श्रद्धा को पुनर्जीवित करेंगे तो कोई बच्चा अंदर कूड़ा कचरा डालने का, कोई व्यक्ति अंदर कूड़ा कचरा डालने की हिम्मत नहीं। इस श्रद्धा को पुनर्जीवित करें, उसके संरक्षण और संवर्धन का एक संस्कार निर्मित करें और ये सारे किनारे पर बसे हुए जो जन आबादी है इसको एक जागरूकता लाकर उसके मन में एक जिम्मेदारी का एहसास कराए कि मां गंगा को निर्मल और अविरल रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर गंगा के किनारे पर बसे हुए गांव और शहर इसको उठा लेते तो मैं मानता हूं कि हम जो कर रहे हैं वो एटर्नल हो जाएगा, सातत्यपूर्ण तरीके से शाश्वत हो जाएगा और गंगा फिर से एक बार इसके किनारे पर ज्ञान की चर्चा हो। जिस गंगा के किनारे पर वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, अनेक प्रकार के शास्त्र, विज्ञान की खोज और ढेर सारे पर्यावरण संबंधी हमारे मंत्र रचे गए हैं, वो फिर से एक बार हम उसी जगह पे नई संस्कृति, पुरानी संस्कृति के साथ सामंजस्य बिठाते हुए नई संस्कृति का निर्माण करेंगे और साथ अर्थ में गंगा पूरे देश के लिए जीवनदायिनी बन जाएगी और सब लोगों के लिए मोक्षदायिनी भी बन जाएगी। मैं फिर से एक बार आज ये पूरे अभियान के अंदर जो जो लोग जुड़े हैं उनके साहस के लिए, उसके गंगा के प्रति कमिटमेंट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपके इस प्रयास ने पूरे गंगा के किनारे को जागरूकता दिलाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसका मैं अनुमोदन भी करता हूँ और विभाग को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।